वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम आज क्लास 12th की ड्राइंग की। और ड्राइंग सब्जेक्ट में आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन संख्या 10 हमारा पूरा हो गया था। लेसन 11 की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के बारे में। तो क्लास 12th की बात करेंगे इस वीडियो में। और ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे हम चित्रकला की। नए लेसन की शुरुआत करते हैं। हमने राजस्थान मूर्तिकला के बारे में, उनकी मंदिर स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से और काफ़ी मंदिर के बारे में पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण पाठ था और ये भी जो पाठ है वो महत्वपूर्ण पाठ है। तो पाठ संख्या 11 की शुरुआत करते हैं। पाठ 11 और इसका नाम है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला, ठीक है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें पढ़नी है आधुनिक भारत की मूर्तिकला। वर्तमान समय में भारत में कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कौन कौन से मूर्तिकार हैं। वर्तमान समय में आधुनिक मूर्तिकला में कौन कौन सी मूर्तियां बनी हैं या मूर्तिशिल्प बने हैं और कौन कौन से वर्तमान में मूर्तिकार हैं, उनकी बात करेंगे। पढ़ रहे हम चित्रकला, लेकिन हम मूर्तिकला के बारे में भी देखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर हम आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के बारे में पढ़े तो इसकी जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि समाज के अंदर, उस समय हमें देश के अंदर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो एक तरह से इस भारतीय मूर्तिकला के उद्भव या उनके शुरुआत का एक कारक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो उस समय जो भारतीय पुनर्जागरण के जो कलाकार थे, कला को आगे बढ़ाने वाले, उनको योगदान मिला, उनको रास्ता मिला, इसलिए उस समय भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत हुई। उसका हम कह सकते हैं कि उसका प्रारंभ हुआ। और उस समय हम देखें तो आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। तो सबसे पहले एक बात जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का या चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर सवा नंबर का आता है एग्जाम में कि आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो वेरी 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 मोस्ट जो कह सकते हैं मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट के ऊपर 20 लगा सकता हूँ, मतलब 20 बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है आधुनिक, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? मूर्तिकला। तो हमें समझना है कि आधुनिक मूर्तिकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आपको ध्यान रखना है कि राम किंकर
राम किंकर बेज को जाता है। मूर्तिकार का नाम क्या है? राम किंकर बेज। चित्रकार का नाम क्या है? अवेंद्रनाथ टैगोर। तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं और दोनों में से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की बात करें तो राम किंकर बेज को श्रेय दिया जाता है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को प्रारंभ करने का श्रेय राम किंकर बेज को, और आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अवेंद्रनाथ टैगोर को या ठाकुर को जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब सिंपल सी बात है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जो श्रेय प्रारंभ करने का इनको जाता है, तो हमें अब ध्यान रखना है कि इनको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। तो राम किंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहते हैं, मूर्तिकला का जनक कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकता है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक कौन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक कौन है? तो राम किंकर बेज। और आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अब इनके बाद में जो भी मूर्तिकार आए राम किंकर बेज के बाद में, उन्होंने जो मूर्तिकला सीखी है वो इनसे सीखी है, उनसे प्रेरणा ली है, तो ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो हमने 19वीं शताब्दी की बात की, क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारतीय मूर्तिकला एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ी, उस समय अंग्रेज़ों का उनको संरक्षण नहीं मिला, तो उस समय मूर्तिकला हमारे आगे नहीं बढ़ पाई। एक तो उस समय मूर्तिकला थी जैसे अशोक के समय की जो स्थापत्य कला है, हमने गांधार के समय की प्राचीन भारत की मूर्तिकला के बारे में पढ़ा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब आधुनिक समय की बात करेंगे हम, वर्तमान समय की कंडीशनों के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर भारतीय जगहों पर कला विद्यालय खोले गए, हमने उनकी भी बात की थी। जैसे देखे तो कला विद्यालय कहाँ कहाँ खोले, तो चेकला मूल, ठीक है, चेन्नई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ और मुंबई के अंदर। ध्यान रखना कि 5 जगहों पर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने कला विद्यालय खोले। अंग्रेज़ों ने कला विद्यालय कहाँ कहाँ खोले, इसमें कला का काम होगा, विद्यालय खोले वो कहाँ कहाँ खोले? तो चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर, मद्रास भी कह सकते हैं चेन्नई को, मद्रास, मुंबई, लाहौर, ठीक है, और कलकत्ता और लखनऊ। इन 5 जगहों पर अंग्रेज़ों ने, ध्यान रखना है कि कला विद्यालय खोले, चेन्नई, मुंबई, लाहौर, कलकत्ता और लखनऊ। याद करने का एक सूत्र आप याद कर सकते हैं, चेक ला मूल, चेन्नई, कलकत्ता, लाहौर, मुंबई और लखनऊ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो उस समय अंग्रेज़ों ने ये कला विद्यालय खोले, और उन कला विद्यालयों में देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने यूरोपीय पद्धति को बढ़ावा दिया कला के अंतर्गत। भाई अंग्रेज़ विद्यालय खोलेंगे तो वो अंग्रेज़ अपनी खुद की जो शैली है, अपनी खुद की जो कला है, वो उसको बढ़ावा देंगे, तो इन्होंने यूरोपीय कला को बढ़ावा दिया, यूरोपीय पद्धति में काम को बढ़ावा दिया। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मूर्ति कला दिखाई देती है, जो हमारे मूर्ति शिल्प हैं, उनमें हमें उस पर हमें पश्चिम या पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी कला का प्रभाव नज़र आता है। हमें यहाँ की मूर्तिकला में यथार्थवाद दिखाई देता है, गंधवाद दिखाई देता है, अभिव्यंजनावाद दिखाई देता है, भव्यवाद दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती है। ये सभी यूरोप या पश्चिम के क्या हैं, अलग अलग प्रभाव हैं, इसमें यथार्थवाद, गंधवाद शामिल है। गंधवाद मतलब वस्तु को तोड़ मोड़ करके कुछ मूर्तिकला बनानी, हूबहू मूर्ति बनाना, मतलब यथार्थवाद हो गया। ठीक है, कुछ कल्पना से जुड़ी हुई मूर्तिकला बनानी, कुछ कुछ खास अभिव्यंजना करके मूर्ति बनानी, कुछ जिसमें कुछ भाव हो वैसी मूर्तियाँ बनानी,
वो सब यूरोपीय पद्धति की मूर्तियाँ थी जो हमारे यहाँ देश के अंदर इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में हम जब देखते हैं कि हमारे देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय जो कला का जो पुनर्जागरण है वो होने की वजह से कलाकारों का उस पर ध्यान गया। इस समय देखें हम तो कलकत्ता के अंदर कब जब देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, उस समय कलकत्ता में जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स है, कलकत्ता के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स है, उसके जो प्रिंसिपल है ई बी हेबल और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कलाओं की विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास किया। तो एक कदम हमें यह ध्यान रखना है इनका, तो एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो हमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स इनके जो प्रिंसिपल सब सर हैं जिनका नाम है ई बी हेवल, हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ई बी हेवल हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो उस समय अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, अक्सर देखा जाता है कि इन्होंने भारतीय कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए, और उनकी वजह से उनके प्रयास की वजह से उन्होंने एक सोसाइटी एक संगठन खोला कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर भारतीय मूर्तिकला को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कलकत्ता के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट, ठीक है, इसकी स्थापना की, ये ध्यान रखना आपको। तो गवर्नमेंट हो गया, स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल ई बी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने मिल करके ध्यान रखना है कि भारतीय कला को आगे बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। और इस समय के जो मूर्तिकार हैं, और उस समय जो मूर्तिकार थे इसमें रोहित हैं, फणीन्द्र नाथ हैं, हरिमणि राय चौधरी हैं, और विशेषकर इनमें मूर्तिकारों में नाम आते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के अगर हम प्रारंभ में देखें तो जो विदेशी मूर्तिकार हैं उन मूर्ति विदेशी शिल्पकारों का जो आकर्षण है वो संपन्न लोगों में दिखाई देता है। 20वीं शताब्दी के जो संपन्न लोगों का जो घर में जो मूर्ति हमें दिखाई देती है, छोटे छोटे खिलौने शिल्प मूर्तिशिल्प, वो विदेशी हमें दिखाई देती है, ठीक है। और लोग इन चीज़ों को अपने घर में विदेशी वस्तुओं को रखकर गौरव महसूस करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि उस समय जो विपरीत परिस्थितियाँ थी जिसमें यूरोपीय शैली से हटकर मूर्ति शिल्पों ने भारतीय तत्व में काम किया, बड़ी महत्वपूर्ण है कि विदेशी चीज़ों को समावेश नहीं किया, और ये सबसे पहले भारतीय तत्वों में जो काम करने का जो हम कह सकते हैं साहस है वो देवी प्रसाद राय चौधरी ने दिखाया कि वो जो मूर्ति शिल्प बनाएंगे वो विदेशी शैली वाली नहीं बनाएंगे, हम भारतीय शैली में काम करेंगे। लेकिन अक्सर उस समय जो अमीर लोग थे वो अपने घर में विदेशी जो मूर्ति शिल्प है उनको अपने घर में लाते थे, वो खरीदते थे, उनको सजाने में वो अपना गौरव समझते थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने सबसे पहले भारतीय तत्वों को में काम करने के लिए मूर्ति बनाने का साहस दिखाया। और उसके बाद में हम देखें तो राम किंकर बेज ने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में नए आयाम की स्थापना की। और उसके बाद में ध्यान रखना कि मूर्ति शिल्पों के बारे में जन साधारण को भी आगे बताया गया, और धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार हमने मूर्तिकला के अंदर एक नई पहचान बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन मूर्तिकला में यथार्थवाद, गणवाद और अति यथार्थवाद थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आता है, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव तो हमें अक्सर उसमें दिखाई देता है ही है। अब आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को और आगे
गति जो प्रदान देने का जो काम है वो देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बेज के जो शिष्य हैं उनको जाता है, जिसमें हम देखे धनराज भगत है, इन्होंने भी भारतीय मूर्तिकला को आगे बढ़ाया, धनराज भगत है। इसके अलावा बात करें तो उस समय पीवी जानकी राम हैं, उन्होंने मूर्तिकला को आगे बढ़ाया। रजनीकांत पांचाल हैं और ए एम डाबरीवाला और राघव कनेरिया उस समय ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने, इनके शिष्य थे देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बेज के, जिन्होंने भारतीय मूर्तिकला को आगे बढ़ाया, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से हमने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत देखी। और अब बात करेंगे जो बंगाल के मूर्तिकार थे, इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि अपनी निजी शैली को विकसित किया, बल्कि अपने मूर्तियों में उन्होंने परंपरागत रूप से और आधारभूत तत्वों को भी हम कह सकते हैं कि समावेश किया। उसमें हमने पश्चिमी कला की शैली भी उस हमें दिखाई देती है बंगाल के मूर्तिकारों में। तो बंगाल के जो मूर्तिकार हैं उसमें उनकी खुद की निजी शैली दिखाई देती है, और खुद की निजी शैली विकसित करने के साथ साथ में इन्होंने, इन बंगाल के मूर्तिकारों ने जो परंपरागत रूप से और आधारभूत जो तत्व हैं उनको भी समावेश किया उनके मूर्तिकला में। हमें पश्चिमी कला की विशेषता या उनके तत्व भी हमें नज़र आते हैं। एक बात तो ये है कि वर्तमान समय में हम देखें तो आधुनिक प्रवृत्ति और विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। अगर वर्तमान समय के जो मूर्तिकार की बात करें, जिसमें एक नाम आपको याद करना है, सुधीर रंजन, ठीक है, और इसके अलावा नाम याद करेंगे आप प्रदोष दास गुप्ता, चिंता मणिकर, जो ऐसे मूर्तिकार जो वर्तमान समय में, ठीक है, और शंखो चौधरी आपको ध्यान रखना है कि वो भी वर्तमान समय के मूर्तिकार हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सोमनाथ होर हैं और मीरा मुखर्जी, ये सारे वर्तमान समय के मूर्तिकारों हैं। इन सभी मूर्तिकारों ने भारतीय मूर्तिकला को आगे बढ़ाया और इसके अंदर नए तरीक़ों से काम करना, जैसे बात करें तो जो चिंतामणि कर हैं, इन्होंने मूर्ति शिल्प के अंदर हमें वर्तमान समय की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देखा जा सकता है। जो शंखो चौधरी मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार का नाम है शंखो चौधरी, ठीक है, इन्होंने आदिवासियों से लोक जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियां बनाई। तो जो सोमनाथ होर हैं, मूर्तिकार का नाम है सोमनाथ होर, जिन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं वो युद्ध और अकाल से जुड़ी हुई बनाई हैं। तो सब मूर्तिकारों ने अलग अलग कंडीशन को समावेश किया अपनी मूर्तिकला के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की मूर्तिकला को समावेश किया है। इसके अलावा हम देखें तो आज़ादी से पहले और बाद में कुछ दशकों में हम पोर्ट्रेट और यथार्थपूर्ण मूर्ति शिल्प देख सकते हैं। समय के साथ साथ मूर्तिकला में नए नए विचार उत्पन्न होते गए, मूर्तिकला भी अमूर्त रूप से बढ़ती गई, उसमें भी नई नई चीज़ें जुड़ती गई। और इस प्रकार के हम देखें तो उषा रानी हुजा, जिन्होंने नए तरीक़ों से मूर्तियाँ बनाई, सरवरी राय चौधरी हैं, विपिन गोस्वामी हैं, शंकर घोष हैं, दिलीप सरहर हैं और मणिक तालुकदार हैं, जिन्होंने पश्चिमी शैली से अलग नए आयाम को समावेश किया, ये ध्यान रखना है। तो पश्चिमी शैली से नए आयाम बनाए उन्होंने नए हट करके, इसमें हम उषा रानी हुजा का नाम देखेंगे, सरवरी राय और विपिन गोस्वामी भी ध्यान करना आपको, शंकर घोष और दिलीप सरहर के अलावा मणिक तालुकदार हैं, जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति से हट करके नई शैली में अपने नए तरीक़ों से मूर्तिकला का निर्माण किया, मूर्ति शिल्प बनाए। उसके बाद हम 40 के दशक में देखें तो हमें पश्चिमी दासता से मुक्त होकर कला में नए रूप से काम करने का मौका मिला, उसमें वृद्धि हुई, और उसके बाद के जो कलाकार हैं उन्होंने नई नूतन प्रवृत्तियों को समावेश करते हुए मूर्तियां बनाई, और इन्होंने मूर्ति शिल्पों के निर्माण के माध्यम से विषय वस्तु की दृष्टि से अपने काफ़ी समृद्ध मूर्तियां बनाई। जैसे इन मूर्तिकारों की जो रचनाएँ हैं उसमें हमें प्रस्तर मतलब पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर जैसे चीज़ें से मूर्तियां बनाई, कहीं धातु की मूर्तियां बनाई तो धातु में कौन कौन सी बनाई हैं,
सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तर की। प्रस्तर में उन्होंने संगमरमर यानी संगमरमर की मूर्तियां में बनाई और ग्रेनाइट की मूर्तियां बनाई। इसके अलावा हम बात करें तो धातु में कौन कौन सी मूर्तियां बनाई, कांस्य और स्टील की मूर्ति बनाई, लकड़ी की भी मूर्तियां बनाई। भारत के लोगों ने 40 के दशक के बाद में प्लास्टिक से जुड़ी हुई, फाइबर से जुड़ी हुई, ग्लास, चमड़े, इन सब का प्रयोग करते हुए, यहाँ तक कि पेपर मेसी और मोम का भी प्रयोग करते हुए, लुगदी उनका भी प्रयोग करते हुए, मोम का प्रयोग करते हुए उन्होंने, ध्यान रखना है कि ये मूर्तिशिल्प बनाई। इन मूर्तिकारों में देखें तो विशेषकर बसंत के शर्मा मूर्तिकार का नाम है, बसंत के शर्मा। इसके अलावा देखें तो हमें विशेषकर जो नाम है वो बसंत शर्मा, रजत घोष, ओम प्रकाश खेर, रजत घोष के अलावा राजेंद्र मिश्रा है, ज्ञान सिंह है, अंकित पटेल हैं, भूपेश कावड़िया हैं, ये प्रमुख आधुनिक समय के मूर्तिकार हैं। ठीक है, इन्होंने नए आयाम में, नए प्रतीक रूप में, नए तरीक़ों से काम किया। और अगर हम बात करें कि मूर्ति शिल्प किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आए और किस प्रकार नए नए रूप से उसमें नई चीज़ें जुड़ती गई, तो ये भी है ही। और बाकी हम बात करेंगे आधुनिक मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताओं की, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो टॉपिक हमारा होगा आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं, और ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता के बाद में हम रामकिंकर बेज के बारे में, जीवन के बारे में, उनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।